इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। आसपास के गांव के लोग बाबा की कुटिया के चारों ओर जमा थे। बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया था। उनके सामान में बस एक लोहे का बक्सा था, जिसे वे पिछले 45 वर्षों से अपने साथ ही रखते थे। बाबा के जाने के बाद उनके शिष्य ने वो बक्सा खोलकर देखा तो वहां पर खड़े लोगों के होश उड़ गए। बक्से में एक खोपड़ी रखी हुई थी जो ना तो किसी इंसान की लग रही थी ना ही किसी जानवर की। उस खोपड़ी का जबड़ा किसी भेड़िए जैसा था और पीछे का कपाल इंसान जैसा। 20 साल पहले अपने बीमार बेटे के शिथिल पड़ चुके शरीर को जमीन पर लिटाकर वो हाथ जोड़कर जोर जोर से रो रही थी। अब बस आपका ही सहारा है, कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा। देखो, इसे शहर ले जाकर किसी भले डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ जंगलों में भटकने से ये ठीक नहीं होगा। डॉक्टर तो कह चुके हैं कि इसका अंतिम संस्कार का समय आ गया है, किंतु मैं अपने बेटे को किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगी। आप चाहे जो ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो बाबा। देखो, जिस विद्या की तुम बात कर रही हो, मैं बरसों पहले उसे छोड़ चुका हूँ। अपने गुरु के सामने प्रतिज्ञा ली है मैंने, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो ठीक है, फिर मैं भी अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर उसने कटार उठाई और अपनी गर्दन पर लगा दी। ठहरो, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, किंतु तेरे बेटे के पास समय बहुत कम है, हमें कल रात ही यह विधि करनी होगी। बाबा ने अपने एक शिष्य को स्त्री से लेकर कुछ रुपए दिए और कान में फुसफुसाते हुए उसे कुछ समझाने लगे। कल मध्य रात्रि को हम ये विधि करेंगे, ध्यान रहे, इसमें जान का जोखिम है, जीवन मिल भी सकता है और जा भी सकता है। मैं तैयार हूँ बाबा। अगले दिन पूर्णमासी की रात थी, आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। बाबा ने घने जंगल के बीचों बीच भारी भरकम पेड़ से एक खूंखार भेड़िया बांध रखा था। कुछ देर पहले ही भेड़िए को होश आया था और तब से वो अपने जबड़े को खोल भयानक आवाज में गुर्रा रहा था। पासी में एक 17 साल का लड़का बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था। जमीन पर तंत्र साधना का सामान फैला हुआ था। बाबा की दूसरी ओर लड़के की माँ बैठी सिसक रही थी। आज पूर्णमासी की रात है, आज के दिन भेड़ियों की शक्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए हमारे तंत्र शास्त्र में आज के दिन कोई विधि नहीं की जाती, लेकिन अगर आज कुछ नहीं किया तो तेरे बेटे के प्राण निकल जाएंगे, इसलिए मुझे अपने नियमों के विरुद्ध जाकर यह विधि करनी होगी। इसके बाद बाबा मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। रात के ठीक 12 बजे बाबा ने भेड़िए के गले पर चाकू से वार किया। भेड़िया भयानक डरावनी आवाज में चिल्लाया। वो आवाज सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के दिल उछल कर मुंह में आ गए थे। भेड़िए के गले से खून की धार बह रही थी। बाबा ने भेड़िए के खून से लड़के के पूरे शरीर पर लेप कर दिया। वो आंख बंद करके जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। अंत में बाबा ने रक्त की कुछ बूंदे लड़के की जीभ पर रखी और कुछ बूंदे नाक से उसके शरीर में प्रवेश करा दी। लड़के के शरीर में हलचल सी होने लगी। लड़का अपने हाथ पैर जोर जोर से हिलाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। तेजी से हिलते हुए वो भेड़िए के पंजों से जा टकराया। लड़के के शरीर से भी अब खून बहने लगा था। कुछ ही पलों के बाद लड़का बिल्कुल शांत हो गया। काफी देर तक तड़पने के बाद भेड़िए की भी मौत हो गई। अपनी विधि संपन्न करने के बाद वे सभी वापिस कुटिया में लौट आए। अगली सुबह, माँ, ये सब क्या लगा रखा है आपने मेरे शरीर पर? छी, मुझे बहुत बदबू आ रही है। इतना कहकर वो रगड़ रगड़ कर नहाने लगता है। विराज अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। ऐसा लगता ही नहीं था कि कुछ घंटे पहले तक उसका शरीर पीला और निष्प्राण पड़ चुका था। वो स्त्री अब जंगल के साथ सटे हुए गांव में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उसका बेटा दिन प्रतिदिन स्वस्थ और हट्टा कट्टा होता जा रहा था। वह प्रतिदिन माँ से मांस का भोजन मांगता और ना मिलने पर गुस्से से आग बबूला हो जाता। कभी अपना सर दीवार में मारता तो कभी माँ को धक्का मार कर गिरा देता। उसकी माँ बेटे के गुस्से और भूख को उसकी बीमारी से पैदा हुई चिड़चिड़ाहट और कमजोरी समझ रही थी, किंतु ये तो तूफान के आने की आहट भर थी। कुछ दिन बाद पूर्णमासी की रात थी। वो औरत अपनी झोपड़ी में अपने बेटे के साथ सो रही थी। अचानक ही आधी रात गए कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनकर
उस महिला की आंख खुल गई। विराज दर्द से कराह रहा था। देखते ही देखते वह दर्द से छटपटाने लगा और चीखते हुए दीवारों में सर मारने लगा। उसका सारा शरीर अकड़ा हुआ था। हाथ पर लगता था किसी ने मरोड़ दिए हो। कुछ ही देर में विराज का शरीर एक भेड़िए में बदलने लगा। विराज एक बहसी दरिंदे की तरह दिल भेदने वाली आवाज में चिल्ला रहा था। जब विराज पूरी तरह से एक नर भेड़िए में बदल गया तो उसने खिड़की से बाहर की ओर एक छलांग लगा दी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मुझे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। अगर मैंने किसी को भी ये बात बताई तो वे लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं? विराज को जोरों की भूख लगी थी। मांस की गंध सूंघते हुए वो कुछ दूरी पर घर के बाहर सो रहे कुत्ते पर झपट पड़ा। विराज ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से कुत्ते के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बड़े शौक से उसे चबा चबा कर खाने लगा। कुछ देर बाद वो चबा हुआ मांस अपने मुंह में दबाकर अपने घर लौट आया। अगली सुबह विराज के पूरे घर से मांस की दुर्गंध आ रही थी। घर के आंगन से लेकर कमरे तक हर तरफ खून और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे, जिन पर असंख्य मक्खियां भिनभिना रही थी। विमला, ये कैसी गंदी बदबू आ रही है तेरे घर से? लगता है बिल्ली ने कोई खरगोश मार दिया है। मैं सफाई कर देती हूँ। अगला एक महीना शांति से बीत गया। विमला मन ही मन बहुत खुश थी। उसे लग रहा था शायद उसका बेटा ठीक हो गया, किंतु ये तूफान से पहले की शांति थी। आज फिर पूर्णमासी की रात थी। आधी रात को ठीक 12 बजे विराज दर्द से छटपटाने लगा। कुछ ही देर में वो एक विशाल नर भेड़िए में बदल गया। अपने घर से बाहर आकर वो शिकार की तलाश करने लगा और जंगल में गुरुजी के आश्रम जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कुटिया के बाहर सो रहे एक शिष्य पर हमला कर दिया। भेड़िए ने अपने तलवार से भी ज्यादा तेज पंजों से एक ही बार में उसका सीना चीर दिया। शिष्य के सीने से खून बहकर जमीन पर फैल गया। बहते खून को देखकर वह जमीन पर लेटकर उसे दरिंदे की तरह चाटने लगा। इसके बाद भेड़िया ने अपने शिकार का हाथ उखाड़कर दूर फेंक दिया। वह अपने शिकार का मांस नोच नोच कर खा रहा था। भेड़िए की आवाज सुनकर आश्रम में सो रहे दूसरे शिष्य की नींद टूट गई। वह बाहर निकला तो उसने एक विशाल नर भेड़िए को मांस नोचता देखा। ये कैसे हो सकता है? नर भेड़िए के विषय में तो बस कहानियों में ही सुना था। हमारे जंगल में अचानक नर भेड़िया कैसे आ गया? गुरुजी को ये बात बतानी होगी। शिष्य दौड़ता हुआ बाबा के पास गया। बाबा, कुंदन को नर भेड़िए ने खा लिया। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। क्या, नर भेड़िया? हाँ बाबा, दो पैरों पर चलने वाला 8 फीट ऊंचा नर भेड़िया। वो इतना भयानक है कि मेरे अभी तक हाथ पैर कांप रहे हैं। वो नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। ये नर भेड़िया कोई और नहीं विराज है। कुछ नहीं होगा, मैं जरूर कोई ना कोई हल निकालूंगा। अगली सुबह मैं हिमालय पर अपने गुरु से इस समस्या का समाधान पूछने जा रहा हूँ। अगर मैं पूर्णमासी तक लौट कर ना आ सकूं तो उसे रात के 12 बजे से पहले रस्सियों से बांध देना, ताकि वो किसी का शिकार ना कर सके। समझ गया बाबा। बाबा अपने गुरुजी से मिलने लंबी यात्रा पर निकल गए। इधर धीरे धीरे पूर्णमासी नजदीक आ रही थी। जब पूर्णमासी के दिन तक भी बाबा लौट कर नहीं आए तो बाबा के दो शिष्य उसे पकड़कर आश्रम ले आए और रस्सियों से बांध दिया। धीरे धीरे रात घेर रही थी। बाहर से आती जंगली जानवरों की आवाज आज कुछ ज्यादा ही तेज और भयानक थी। ऐसा लगता था उन्हें आने वाले खतरे का अंदेशा हो गया था। रात के 12 बजते ही विराज की आंखें बिल्कुल लाल हो गई। वह तेज आवाज में चिल्लाया, खोल दे मुझे। विराज भयानक अंदाज में भेड़िए की तरह आसमान की ओर मुंह करके वो चिल्लाने लगा। उसके नाखून काले और चाकू की तरह लंबे और नुकीले हो गए थे। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल आने लगे। मुंह भी भयानक रूप में बदलने लगा। एक झटके में उसने अपने शरीर पर बंधी रस्सियों को झटक कर खोल दिया। आंखों में दरिंदगी भरकर वह एक शिष्य की ओर लपका। विराज की भयंकर वो के सामने शिष्य की चीखें घूट कर रह गई थी। अपने धारदार नाखूनों से उसने शिष्य के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने बड़े भयानक जबड़े से उसने उस पर चपर चपर करते हुए मांस खाना शुरू कर दिया।
विराज के जबड़े से खून टपक रहा था और शरीर खून से लथपथ हो गया था। विराज ने गर्दन घुमाकर दूसरे शिष्य की ओर देखा। यह विभत्स्य दृश्य देखकर वह जड़ होकर एक कोने में खड़ा हुआ था। विराज ने दूसरे शिष्य की ओर छलांग लगाई, तभी शिष्य ने अपनी कमर में छिपाया हुआ चाकू बाहर निकाल लिया। शिष्य विराज पर चाकू से हमला करने ही वाला था कि तभी उसकी माँ विमला बीच में आ गई और उसने शिष्य को दूर धक्का दे दिया। चाहे जो हो जाए, मैं अपने बेटे को नहीं मारने दूंगी। इससे पहले कि विमला संभल पाती, विराज ने विमला पर भी हमला कर दिया। विराज के जोरदार पंजे के हमले से विमला दूर जा गिरी। उसका सर एक भारी पत्थर से टकराया और उसी पल उसकी मौत हो गई। विराज के ऊपर आज खून सवार था। हर शिकार के बाद उसकी हैवानियत बढ़ती ही जा रही थी। अपनी माँ को मारने के बाद वो फिर से शिष्य की ओर बढ़ा, इससे पहले कि वो उसको भी नोच कर खा जाता। पीछे से बाबा ने आकर एक अभिमंत्री तलवार से उसके ऊपर वार कर दिया। भेड़िए के शरीर से खून बहने लगा। शिष्य को छोड़कर गुर्राते हुए वो बाबा की ओर झपट पड़ा। सही समय पर बाबा अपनी जगह से हट गए, लेकिन तब भी भेड़िए का नुकीला पंजा उनके पैरों में धस गया था। भेड़िया फिर से दो कदम पीछे हटा और उसने बाबा पर छलांग लगा दी, लेकिन इस बार बाबा ने कोई चूक ना करते हुए तलवार ठीक उसके दिल में घोंप दी। भेड़िया चिंघाड़ता हुआ जमीन पर गिर गया। बाबा ने आव देखा ना था, झट से एक के बाद उसके सीने पर कई वार कर दिए और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। नर भेड़िए का अंत हो चुका था। बाबा को भी समझ आ गया था कि उनके गुरुजी ने क्यों उन्हें यह विद्या उपयोग ना करने का प्रण दिलवाया था। अपनी गलती को जीवन भर याद रखने के लिए उन्होंने इस नर भेड़िए का सर बक्से में बंद करके अपने पास रख लिया। बाबा अपना आश्रम छोड़कर हिमालय में बस गए और तभी से उनका बंद बक्सा एक राज बना हुआ था। वो राज आज 45 वर्षों बाद खुल गया था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।